शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान में भी गेहूं, चना एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का काम शुरू हो चुका है। राज्य के सभी खरीद केंद्र पर चना एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का काम किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में राजफेड को सरकारी खरीद के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसी एजेंसी के माध्यम से राज्य में गेहूं, चना और सरसों की खरीद की जानी है। ऐसे में राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की गुणवत्ताओं की कृषि जींस की खरीद की जाए। वहीं गुणवत्ता युक्त कृषि जींस नहीं होने पर वेयर हाउस में जींस जमा नहीं हो पाएगी एवं समितियों को भी हानि होगी। वहीं अतः किसी भी परिस्थिति में नॉन एफक्यू जींस नहीं खरीदी जाए। ये बात राजफेड की प्रबंध निदेशक ने खरीद तैयारी एफ प्रगति के समीक्षा बैठक में कही। साथ ही सुषमा अरोड़ा ने कहा कि यदि किसान खरीद केंद्र पर नॉन एफक्यू जींस लेकर आते हैं तो रिजेक्शन स्लिप पर कारणों को दर्शाते हुए किसानों से पुष्टि ली जाए, एफ सैंपल्स भी लिए जाए। साथ ही खरीद केंद्र पर खरीद की व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसे सुनिश्चित भी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खरीद केंद्र संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस हो तो तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि, किसान द्वारा वहनीय खर्च का विवरण खरीद केंद्र पर प्रदर्शित किया जाए एवं पेयजल व छाया व्यवस्था की सुनिश्चित भी किया जाए। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।